हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप भाई हमेशा की तरह आप लोग गर्दा उड़ा रहे हो। और आज गर्दा उड़ाने के लिए हम जो लेके आए हैं लावा का ब्लेज कर्व 5G। ये फोन जो अराउंड 21,000 के रेंज में आने वाला है, आपको 22 तक में मैक्सिमम 256 GB वेरिएंट मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस तो हम भी नहीं एग्जैक्ट बता पाएंगे, लेकिन हाँ डिस्काउंट वगैरह करके 20 से नीचे में आई गेस मिल जाना चाहिए। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आज देखेंगे कि ये फोन जो है कितना गर्दा उड़ा। वैसे हम आपको बता दें कि लावा जो है इंडिया में एक ऐसा ब्रांड है, मेड इन इंडिया ब्रांड है। पहला चीज़ तो ये है, इसको इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। और ऐसा ब्रांड है जो फ्री होम सर्विस एंड रिप्लेसमेंट देती है, मतलब कि आपका फ़ोन में कुछ खराबी वगैरह भी आए तो घर पे आपका आके बना के जाएगी या फ़ोन रिप्लेस करके जाएगी। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, मेड इन इंडिया है तो ऑब्वियस बात है हम लोग को खुद भी सपोर्ट करना चाहिए। और भाई ये फ़ोन जो है सिर्फ नाम का नहीं है, काम का भी है। जितना भी हम लोगों ने देखा है लावा 2-3 साल से बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में अपना आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, कम प्राइस में अच्छा चीज़। तो आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। वैसे टेस्ट तो हम कर चुके हैं, इसका रिव्यू देने वाले हैं कि कैसा क्या ये कैमरा वगैरह सारा चीज़ में परफॉर्म करता है। सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ है डिस्प्ले। फ्रेंड्स आप देखोगे तो लगेगा ही नहीं, ये एकदम इतना प्रीमियम फील देता है। 10 बिट का डिस्प्ले है, 6.67 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन है, 120Hz का डिस्प्ले है, वाइड वाइन L1 को सपोर्ट करता है, YouTube पे आपको 4K HDR वीडियोस प्ले कर सकता है, Netflix पे भी आपको फुल HD वीडियोस आराम से प्ले कर देता है। 10 बिट का डिस्प्ले होने के बाद 800 nits का ब्राइटनेस देता है और ये आउटडोर विजिबिलिटी में बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो डिस्प्ले जो है इसका टॉप नॉच है। और साथ ही साथ इसमें स्पीकर, डॉल्बी स्पीकर आपको मिल जाएगा, डुअल स्पीकर है, क्या फाड़ू साउंड है, मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है इसमें आपको नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, इस प्राइस सेगमेंट में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है जो कि काफ़ी फास्ट है। और फ्रंट बैक दोनों में आपका ग्लास है, पीछे भी आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ करोगे, गेमिंग वगैरह करोगे, तो MediaTek का डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर इसमें है, जिसका अंतुति स्कोर 5.5 लाख प्लस आपको कर सकते हो। और ये UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, 2 SIM आप यूज़ कर सकते हो, मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हो। तो भाई किसी चीज़ में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। एवरीडे लाइफ में हमने जितना भी टेस्ट किया था इस फ़ोन को, ना कोई लैगी फील होता है, ना ही कुछ ऐसा हमको इशू फील हुआ। और बेस्ट पार्ट भाई, इस प्राइस सेगमेंट में भी आपको एंड्रॉयड 13 वो कि ब्लोटवेयर फ्री, आपका मतलब कोई भी आलतू फालतू ऐप्स नहीं है, क्लीन एंड्रॉयड मिलता है। ये इस ब्रांड का सबसे बड़ा खूबी है। और 2 साल का ये अपडेट भी दे रहा है, मतलब एंड्रॉयड 15 तक आपको मिल जाएगा, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो ऐप्स में जाओ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो है उसमें जाना है, फ़ोन ऐप में जाना है और डिफ़ॉल्ट ऐप को चेंज कर देना है ये वाले आइकन में। देन आप फोन में जाओगे, यहाँ इस जगह सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा बिना किसी अनाउंसमेंट के। तो आपको अगर ऐप्स हाइड करना है तो ये ऐप्स का ऑप्शन में जाओ, ऐप हाइड का ऑप्शन में जाओ, जो जो ऐप आपको हाइड करना है डाल दो, वहाँ पे पासकोड डाल दो, आपका ऐप हाइड हो जाएगा। तो अगर बैटरी की बात करें तो ये 5000mAh का बैटरी देता है, 33W का चार्जर जो है बॉक्स में ही मिल जाता है, 50% जो है 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा और 100% चार्ज होने में करीब 80-85 मिनट का ये टाइम लेता है। तो एंड में आपको बताते हैं कि इसका बैटरी जो है कितना चला। भाई बात करते हैं अब कैमरा का कि भाई कैमरा कैसा है। फोन तो भाई इन हैंड बहुत ही प्रीमियम फील देता है। पीछे से डिज़ाइन देखोगे तो कुछ एप्पल जैसा डिज़ाइन लगता है। आजकल सभी ब्रांड्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा प्रीमियम भी लगता है ये चीज़, ऐसा नहीं बोलेंगे। नीट एंड क्लीन बैक है और जितने भी लोगों को हम लोगों ने दिखाया है, एक बताओ कितना का है, 30? लो चला के देखो, बताओ कितना का है, 30-40 thousand का है। ये चीज़ उनका कहना था कि भाई ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील देता है। प्राइमरी कैमरा का बात करेंगे तो भाई ये सोनी का 64 MP का कैमरा है, मतलब कंपनी ने ये तो नहीं बताया कि कौन सा एग्जैक्ट सेंसर लगा हुआ, बट उन्होंने मेंशन किया था सोनी सेंसर है। इसका अपर्चर जो है f1.9 है और इससे लिया गया फोटोज़ हम आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या इसका कैमरा है। तो पहला चीज़ अगर आप फोटोज़ देखोगे तो डिटेलिंग ठीक है, क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी कलर्स जो है बूस्ट करता है। ये 10 में से 1-2 फोटोज़ में हम लोगों ने देखा, बाकी सारे फोटोज़ में बढ़िया था। इवन ह्यूमन सब्जेक्ट में हम लोगों ने देखा एक्सपोजर बहुत बढ़िया हैंडल करता है। धूप वाले चैलेंजिंग सिचुएशन में जो फोटोज़ था हम जितना एक्सपेक्ट नहीं किए थे उससे बेहतर ही फोटोज़ ये क्लिक कर रहा था, कलर्स बढ़िया निकल के आता है। लो लाइट में थोड़ा सा एक्सपोजर हैंडलिंग में कभी कभी इशू होता है, HDR प्रोसेसिंग आप ऑन कर लोगे तो थोड़ा सा बेहतर फोटोज़ आपको ले लेगा, लेकिन नॉइस कम है, फोटोज़ बढ़िया है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत रखना, बट प्राइस रेंज के हिसाब से डेफिनेटली बोलेंगे बढ़िया है। जो फ्लैश से भी लिया हुआ फोटोज था वो भी बढ़िया निकल के यहाँ पे आ जाता है। बगल में आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, सिंगल पोर्ट्रेट मोड में, यहाँ पे भी आपको HDR वगैरह यूज़ करने का ऑप्शन है। और पोर्ट्रेट मोड का फोटोज़ में एक चीज़ अच्छा लगा कि फेस बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करता है, नॉर्मली ठीक ठाक रखने का कोशिश करता है, अच्छा फोटोज़ यहाँ पे निकल के आता है, ये चीज़ बोलेंगे। मतलब धूप में वाले सिचुएशन में भी जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ओवर एक्सपोज हो जाता है सारा फोन्स का फोटोज़, वहाँ पे भी फेस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। इवन
इवन लो लाइट में भी हम लोगों ने देखा कि वहां पे ठीक ठाक फोटोज निकल के आता है, बस एज सिलेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बस एक दो बार हमको ये फील हुआ है कि डिस्प्ले का टच जो है वो काम नहीं कर रहा था, साइड पे आपका अगर फिंगर्स वगैरह टच है तो उसके लिए हम लोगों ने वॉल्यूम बटन के थ्रू क्लिक किया, वहां पे क्लिक हो जा रहा था। वैसे अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा कैमरा फोन चूज करने में। वैसे आज हम इस फोन का रिव्यू कर रहे हैं और इस फोन का रिव्यू में हम लोगों ने आपको सारा लगभग डिटेल्स बताने का कोशिश किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो फोन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा, तो इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है सौरभ अनुराज और मियाँ वाला के नाम से, वहां आ सकते हो, वहां पे मेरा फोटोग्राफी वगैरह भी देख सकते हो। एक मेजर जो ड्रॉबैक होता है इस प्राइस सेगमेंट में कि आप सब कुछ अच्छा दे देते हो, सब कुछ रहता है, बट आपको अल्ट्रा वाइड ही गायब कर दिया जाता है कंपनी के साइड से। तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है f2.2 अपर्चर के साथ। बस आप अल्ट्रा वाइड में जाओगे तो ये चीज ध्यान रखना कि शार्पनेस थोड़ा सा कम हो जाता है, खासकर कॉर्नर वाले सिचुएशन में। ह्यूमन सब्जेक्ट में अच्छा फोटोज एक्सपोजर हैंडल करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगा। बस शैडोज वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको नॉइज दिखेगा, खासकर लो लाइट में जाओगे आप तब, वहां पे एक्सपोजर हैंडलिंग में थोड़ा इशू होता है। इस चीज पे थोड़ा और ऑप्टिमाइज किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेटर है कि आप एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में ना जाओ फोटोज लेने। इसके अलावा एक और कैमरा है, 3 कैमरा पीछे है, तो 1-2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है जिससे आप मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। और आप देख सकते हो मतलब काम चल जाएगा आपका, सोशल मीडिया में फोटोज वगैरह डालना है तो उसके लिए आप इनफ है, जितना भी फोटोज लिया था हम लोगों ने काम चलाओ, डे टाइम में फोटोज अच्छा निकल जाता है भाई। यहाँ पे लावा ने फ्रंट में भी आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है f2.5 अपर्चर के साथ, तो इसका फोटोज देखते हैं। तो अगर फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो इस जगह 2-3 चीज़ें आपको नोटिस करने को मिलेगी। पहला ये कि एक्सपोजर थोड़ा हाई रखता है, फेस थोड़ा सा सॉफ्ट करता है, लेकिन हाँ फोटोज़ अच्छा क्लिक करता है। पोर्ट्रेट शॉट्स में एज सिलेक्शन ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, मल्टीपल लोग आराम से हैंडल कर लेता है, लो लाइट में भी अच्छा फोटोज़ क्लिक कर लेता है, नॉइज़ काफ़ी कम है, और बेस्ट पार्ट कि आप फ्लैश के साथ भी फोटोज़ ले सकते हो जो कि अच्छा निकल के आता है। अगर आपको जूम वगैरह करना है तो यहाँ पे आप टैप करो, होल्ड करो एंड देन जूम कर सकते हो, 20x तक आपको इसमें डिजिटली जूम मिल जाता है। और अगर आप जूम का फोटोज़ देखोगे तो 5x तक आप यूजेबल और 10x तक आप काम चलाओ फोटोज निकाल सकते हो, बेटर है कि आप 20x ना ही यूज करो। तो कैमरा सेटिंग्स का बात करेंगे तो नॉर्मली इसमें फोटो मोड मिलता है, अल्ट्रा वाइड लेंस है, 1x यहाँ पे कर सकते हो, डिजिटली आप 2x कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर में HDR ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, ऑटो पेयर छोड़ सकते हो आप, AI ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, फेस ब्यूटी मतलब ब्यूटी मोड वगैरह यूज करना तो उसके लिए है, पैनोरमा है। यहाँ पे मोड सेटिंग्स में आप जाते हो, मैक्रो लेंस 64 मेगापिक्सल जिसमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो है वो है, प्रोफेशनल मोड मतलब कि प्रो मोड आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे काफी और सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगा, वाटरमार्क वगैरह लगाने का ऑप्शन है, मतलब जो भी चीज चाहो यहाँ पे EIS ऑन करना है, ऑन ऑफ करना है उसका ऑप्शन अलग से मिल जाता है। वीडियो मोड में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 4K का सेटिंग है ऊपर में, यहाँ पे 1080p भी आप कर सकते हो, 1080p 60fps तक का सपोर्ट है, और यहाँ पे हम लोग 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट में जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ नाइट मोड का ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड पे आपको नाइट मोड नहीं मिलेगा। ऊपर में अगर आप आओगे तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ फिल्टर्स जो है वो आप यूज कर सकते हो, यहाँ टाइमर है। इसके अलावा टाइमलैप्स मोड दिया गया है और यहाँ पे कितना टाइमलैप्स में क्या ड्यूरेशन रहना है उसके लिए है, और बेस्ट पार्ट की भाई 4K में आप टाइमलैप्स शूट कर सकते हो। साथ ही आपका स्लो मोशन मोड है, आप स्लो मोशन में देखो 480fps, और 480fps पे जाने के बाद 720p पे नहीं 1080p पे ही आपको 480fps का ऑप्शन ये दे देता है। तो आप यहाँ पे 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो भाई, 4K 30fps वीडियो ये सपोर्ट करता है प्राइमरी कैमरा में, और वीडियो का क्वालिटी बढ़िया था, उसमें कोई इशू नहीं बोलेंगे, ऑटो फोकसिंग बढ़िया था, ऑटो फोकस हंट नहीं हुआ, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको इस जगह पे नहीं मिलेगा, और क्वालिटी बढ़िया है बट ठीक है। अगर आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए तो उसके लिए आपको 1080p 30fps रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वैसे आपको 1080p 60fps का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है, 1080p 30fps में अच्छा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, और लो लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, नॉइज़ लेवल काफ़ी कम था, एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था वहाँ पे भी नॉइज़ लेवल काफ़ी कम है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से एक्सपोजर हैंडलिंग भी बढ़िया था यहाँ पे, ये बोल सकते हैं कि बढ़िया आपको वीडियोज़ मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड पे भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 30fps पे, यहाँ पे भी ठीक ठाक आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाता है, लेकिन बेस्ट है यही बोलेंगे कि अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का वीडियो चाहिए 1080p 30fps यूज़ करो, गिम्बल के साथ आप 4K वीडियोज़। तो गाइज़ ये चमकता धमकता हुआ वीडियो आप देख रहे हो हमारे Blaze 5G जो भी मतलब नाम है इसका, पूरा एकदम चमका दिया है, मतलब अब कैसे भी रहो कुछ भी दिखो, हम जैसे लोग जो कि अच्छे नहीं दिखते हैं स्टिल इसमें अच्छे दिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, है कि नहीं भाई, हंसो नहीं, अच्छे दिख रहा है, उठानी बवाल, मतलब चमका तो देगा पूरा आपको, ये बात जान लो। 1080p 30fps का सपोर्ट है, कोई 4K नहीं है यहाँ पे फ्रंट में, रियर में आपको 4K मिलता है, 60fps नहीं मिलेगा, स्टेबलाइजेशन भी वैसा नहीं है, बट स्टिल प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डेफिनेटली अ गुड कैमरा, और ऑडियो का भी आपको आइडिया मिल चुका होगा अभी तक। तो ये आउटडोर का वीडियो है गाइस, मतलब एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा कि आपको एकदम डार्क तो नहीं होने देने वाला, पूरा एकदम चमका दिया है, चमका दिया गाइस, पूरा दुनिया एकदम उजला 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 उजला
चश्मा पहन के हम मतलब सब उजला लग रहा है। और ये लो लाइट का वीडियो है फ्रंट कैमरा से, मतलब आर्टिफिशियल लाइट में, बहुत एक्सट्रीम डार्क में आप मत ही जाओ क्योंकि भाई उतना ज्यादा कैपेबल। हमारी गूगल थोड़ा कंफ्यूज हो गई है, बट यही है कि आप थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में ही वीडियोस वगैरह लो फ्रंट कैमरा से खासकर, तो थोड़ा अच्छा वीडियोस मिलेगा। बट स्टिल अच्छा है इसका फ्रंट कैमरा, प्राइस के हिसाब से हम बोलेंगे तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस फोन का माइक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे आप स्लो मोशन देख सकते हो, ये 1080p 120fps का स्लो मोशन है। बेस्ट पार्ट की यहाँ पे कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं दिखा हमको। हाँ, ये है कि आपको उतना बेस्ट क्वालिटी का स्लो मोशन तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल जिस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से है बोलेंगे यहाँ पे अच्छा क्वालिटी का स्लो मोशन मिल जाता है अगर आप लाइट वगैरह में शूट करते हो तो। फाइनली अगर बैटरी का देखें तो यहाँ पे 80% बैटरी अभी भी बचा हुआ है, कैमरा यूज़ हुआ है काफ़ी ज़्यादा, स्क्रीन ऑन टाइम रहा है लगभग 2 घंटे के अराउंड, यूट्यूब म्यूज़िक वगैरह सारा कुछ हम लोग चलाए हैं, तो बैटरी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। बैटरी के मामले में इस फ़ोन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो एक चीज़ तो डेफिनेटली बोलेंगे कि जिस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन आता है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है भाई। जितना प्रीमियम में फील होता है ना, तो इन हैंड जो प्रीमियम फील होता है वो सब चीज़ अलग अलग जगह, और फ़ोन में जो फीचर है वो अलग जगह, सब कुछ एकदम प्रीमियम आपको फील करवाएगा। कभी भी ये लगेगा ही नहीं कि जिस प्राइस में आपको ये फ़ोन मिला है आपने उस प्राइस में परचेस किया। तो डेफिनेटली बोलते हैं ये फ़ोन जो है गर्दा उड़ाता है, आप भी गर्दा उड़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।